मैंने यह सूरज जो है क्यों पढ़ी है, तो प्रोग्राम का जो है शीर्षक का उन्मान जो देख रहे हैं उससे बड़ा गहरा इसका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब ने जब ये बात कही तो मेरे जहन में ये बात आई कि मजहब जो है वो सिर्फ जो है वो कब्र और हश्र के लिए नहीं है बल्कि इस समाज के लिए भी है। जब तक किसी समाज में अदल इंसाफ बराबरी और जो लोग वंचित वर्ग हैं महरूम हो गए हैं उनको आप मुख्य धारे में नहीं लाएंगे तो जो है वो बात नहीं बनेगी। 70 साल हो गए हमारे बहुत बड़े हिंदी के जो है साहित्यकार और अदीब गुजरे हैं फणीश्वर नाथ रेणू जो है उनका बहुत मशहूर नावल है महिला आंचल जो है उसमें आज़ादी का जो है वो जश्न मनाया जा रहा है और सब लोग जो है बहुत खुश हैं। लेकिन एक आदमी जो है उस भीड़ में जाके यह कहता है कि यह आज़ादी झूठी है देश की जनता भूखी है। अब उसको आदमी जो है वो तलाश करने के लिए दौड़ पड़े लेकिन वो आदमी मिल नहीं रहा है। तो क्या 70 सालों के बाद हम जो है वो तलाश कर पाए हैं कि जो है दंगा मुक्त और नंगा मुक्त जो है वो भारत जो है वो कैसे बनेगा? ये जो आप नारा सुनते हैं रोटी कपड़ा और मकान तो क्या आपको इस यहाँ जो आज प्रोग्राम का जो शीर्षक है उन्वान है क्या उसमें वो नजर नहीं आता है? तो ये कुरान की जो आयत है इसमें ये बताया गया है और अल्लाह ताला ने नेमत के तौर पे उसका तस्करा किया है कि तुमको जो है सर्दी गर्मी में तुम जो है सफ़र करते हो और अल्लाह ताला की नेमत को याद करो जिसने तुमको जो है भूख में जो है वो खाना खिलाया है और खौफ में जो है वो अमन दिया है। तो जब तक जो है कोई भी समाज जो भूख से आज़ाद न हो भूखा वो भूख भूख का न हो और जो है ये जो खौफ फैलता है दंगे से तो दंगा मुक्त भी जो है वो समाज होना चाहिए। तो आज की तारीख में जो हमारा संविधान बना है और जो इतिहास है परंपरा है रिवायत है सबके तनाजुर में 4 चीज़ें जो है वो बहुत आम है और मोर्चा ने तमाम चीज़ों को जो है सामने रखा है उसी के जो है वह संदर्भ में उसका जो है संघर्ष भी है जद्दोजहद भी है और जो है वो तहरीक भी है। वो है इंसाफ आज़ादी बराबरी और देश के संसाधनों में मुल्क के वसाइल में मुनसिफाना हिस्सेदारी। अगर आप और ये 4 चीज़ों का ताल्लुक जो है वो धर्म से नहीं है वो जात पात से नहीं है ये जो बुनियादी मसाइल हैं और पब्लिक सरोकार वाले जो मुद्दे हैं कुछ चालाक लोग जो है ये पब्लिक सरोकार वाले और बुनियादी मसाइल से आपका ध्यान जो है वो भटकाने के लिए तवज्जो को हटाने के लिए वो धर्म को बीच में लाते हैं भावनाओं को बीच में लाते हैं और जज्बात को बीच में लाते हैं और जो है कुछ भावनात्मक जो है जज्बाती मुद्दे जो होते हैं उनको जो है वो सामने रख दिया जाता है और लोग जो है उसमें पढ़ जाते हैं। तो मोर्चा ने जो है जो हमारा एक जो है मजहबी फरीजा भी है और समाजी फरीजा भी है और देश के जो है संदर्भ में मुल्क के तनाजुर में भी जो है देश हित में भी है वो ये है कि मुल्क से जो है वो खौफ जो है वो ख़त्म होना चाहिए अमन का जो है माहौल जो है वो आना चाहिए। तो उसी के तनाजुर में ये कहा गया है कि जो अत्याचार निवारण जो एक है कानून है जो दलित और आदिवासी SC ST सबके लिए बना हुआ है तो मुसलमान और अल्पसंख्यक जो है वो सब जो है वो देश के जो है नागरिक हैं और जो है वो शहरी हैं। तो जब तक के सबके लिए जो है इंसाफ नहीं होगा बराबरी नहीं होगी आज़ादी नहीं होगी सब जो है वो शांति से और अमन से नहीं रहेंगे तब तक जो है सबका साथ सबका विकास का नारा जो है वो सार्थक नहीं हो सकता है बामाने नहीं हो सकता है और उसका कोई बेहतर जो है वो नतीजा परिणाम भी जो है वो सामने नहीं आ सकता है। ये धारा 341 के संदर्भ में जो जिद्दोजहद है उसका
कुरान में अदल और किस्त को जो है वो कायम करने के लिए कहा है। अदल का मतलब होता है सबके साथ जो है वो बराबरी होना चाहिए, और किस्त का मतलब होता है जिसको जो मिलना है वो जो है वो मिलना चाहिए। तो आज की तारीख में आप देखेंगे कि कुछ लोगों का जो है मुल्क के जो है 80-85% जो है संसाधनों पर जो है वो साइन पे जो है कब्जा हो चुका है, और जो मुल्क की अक्सरियत है वो जो है इंसाफ से, बराबरी से, और जो है रोटी कपड़ा और मकान से जो जरूरी चीजें हैं, मूलभूत जो है सुविधाएं हैं, वो सब क्षेत्र है मारूम है। तो ये जो है वो कैसे जो है वो ये सारी चीजें जो है वो खत्म होंगी, ये जो है हम सबको जो है सोचना है। और ये आप जो है ये समझे कि हम जो है वो कुछ नहीं करते हैं, ये सोचना जो है वो सही नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि जितने लोग भी यहाँ पर हैं सब जो है वो एक तहरीक है, एक अंजुमन है, एक संस्था है, वो इदारा है। इस हवाले से मैं डॉक्टर वेदांत अली साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और इसके लिए जो है वो शुक्रिया भी अदा करता हूँ। उन्होंने एक ऐसे मसले को जो है सामने रखा है समाज के, मुल्क के सामने, जो आज़ादी के बाद बड़े बड़े लोगों ने, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम के आदत हो, सबने जो है नज़रअंदाज कर दिया था। धारा 341 का मामला आज का नहीं है, और जो है दंगा जो है वो आज का मामला नहीं है, लेकिन यह है कि कानून के तनाजुर में और जो है नाइंसाफी को खत्म करने के तनाजुर में वो जो है तवज्जो नहीं दी गई, और जो है अपर कास्ट अशराफ और अकलाफ की जो है वो राजनीति जो है शुरू हो गई। हालांकि इन चीजों का ताल्लुक जो है वो जात पात से नहीं है, बिरादरी से नहीं, बल्कि बराबरी से है, इंसाफ से है, आजादी से है, और जो है मुल्क के वसाइल में जो मुनसिफाना हिस्सेदारी है, इन तमाम चीजों से है। बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर जो है वो बोलने वाले हैं और अपनी बातों को रखेंगे। मैंने जो है वो कुछ चीजों की तरफ जो है वो इशारा किया है। हमें जो है बहुत ज्यादा इस पर तवज्जो नहीं देना है कि किस पार्टी की सरकार है और ये कौन लोग जो है सत्ता और इख्तदार में है। हमें जो है वो बराबरी चाहिए, इंसाफ चाहिए, अमन चाहिए, और जो है खौफ मुक्त जो है और भूख मुक्त जो है और दंगा मुक्त जो है नंगा मुक्त जो है वो भारत चाहिए। और ये उसी वक्त होगा जब लोग जो है इंसाफ, बराबरी, आज़ादी के हवाले से जो है वो सोचेंगे। और मुस्लिम राष्ट्रीय ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने जो है एक जो है वो रास्ता दिखाया है, और इसका जो है वो जात बिरादरी से और जो है वो ये सियासत से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध जो है वो इंसाफ की फराहमी से है, आज़ादी को बचाने से है, और जो है मुनसिफाना जो हिस्सेदारी है मुल्क के वसाइल में उन तमाम चीज़ों से है। तो और हमें जो है वो पूरी तरह जो है वो हमें सामने आना पड़ेगा। हमें जो है वो थ्योरी को भी देखना है, एक्शन को भी देखना है कि ये समाज में जो है मेहनत कश लोग जो है इतना कुछ करते हैं लेकिन उनको जो है कुछ नहीं मिलता है, और बहुत से लोग जो है कुछ नहीं करते हैं या बहुत कम करते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा जो है पा लेते हैं। तो इन जो है इस तरह की नाबराबरियों को जो है नाइंसाफियों को जो है वो कैसे जो है वो ख़त्म किया जाएगा, ये सब हम लोगों को जो है सोचना है। और चार चीज़ों को लेके जो है बराबरी और आज़ादी और अमन और भूख वगैरह जो है वो सारे हिस्सेदारी, ये तमाम चीज़ों को जो है तनाजुर में रखते हुए हम लोगों को जो है जिद्दोजहद करना है। और आपका जो भी रोल हो, जो भी भूमिका हो, अपने हिस्से की जो है आप जो है वो किरदार को, भूमिका को जो है आप जो है निभाएं, और हर आदमी जो है वो एक जो है वो तहरीक है और जो है अपने दायरे में इसके लिए जो है बहुत अच्छा काम कर सकता है। अगर हम सब लोग जो है अच्छा काम करेंगे और इसके लिए कोशिश करेंगे तो आने वाले दिनों में यकीनन जो है वो अच्छे दिन जो है वो आएंगे। और हम जो है ये मुतालबा करते हैं कि अगर जिस तरह जो है SC ST के लिए जो है इनसे ज़्यादा तशद्दुद कानून जो बना हुआ है, अल्पसंख्यकों को, अकलियतों को भी उसमें शामिल करना चाहिए, और ऐसा जो है माहौल बनाने के लिए और ज़रूरी जो है सिंध में दिशा में जो है वह सरकार कदम उठाए ताकि यहाँ जो है वह हमारा जो बेहतर जो है समाज, बेहतर
देना चाहते हैं कि आपसे इतनी बड़ी तादाद में तशरीफ लाए, इसका मतलब यह है कि मुद्दों से जो है कहीं न कहीं जो है वह सबका एक तरह का जुड़ाव है, वाबस्तगी है, और अगर हम जिद्दोजहद करते रहेंगे तो जो है उसके नतीजे जो है वो अच्छे निकलेंगे और हमें कामयाबी मिलेगी। और हम और जो है इस जज्बे के साथ जो हमको काम करना है कि हम होंगे कामयाब, वो आखिर काम रबी।